हेलो फ्यूचर एविएटर्स, मेरा नाम है सागर और आज हम इस चैनल में बात करेंगे। आपने सोच लिया राइट कि आपको एविएशन फील्ड में जाना है, अपना करियर बनाना है, तो उसके पहले मेरी आपसे एक सिंगल रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड टू गेट सक्सीड इन एविएशन करियर। आइए बात करते हैं। Can you direct me to the check-in counter because I'm new here? Right, please. Left. Check-in counter. अभी जो कुछ भी देखा आपने उससे आपको पता लग गया होगा कि कम्युनिकेशन इज सो मच एसेंशियल फॉर दिस इंडस्ट्री, राइट? वेदर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में भी काम कर रहे हो एविएशन के, या आप टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हो, बोथ द सेम वेर यू हैव टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? अगर हम नॉन टेक्निकल फील्ड की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने पैसेंजर्स को गाइडेंस देनी होती है, उनको असिस्ट करना होता है, एज वेल एज यू ऑल्सो गोइंग टू स्पीक विद योर क्रू। सो इन दिस केस मोस्ट प्रिफरेबल लैंग्वेज इज इंग्लिश, राइट? इंग्लिश, हिंदी एंड योर लोकल लैंग्वेज वेयर द एयरपोर्ट इज बेस्ड, राइट? अगर हम टेक्निकल फील्ड की बात करें, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए एविएशन में बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, इट जेपरडाइज्ड द सेफ्टी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अब मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ। तो बात है 1977 की कैनरी आइलैंड्स में। क्या हुआ था कि दो बोइंग 747 एयरक्राफ्ट थे, एक केएलएम एयरलाइंस और एक पैनम एयरलाइंस के 747 एयरक्राफ्ट। क्या हुआ था कि वो दो एयरक्राफ्ट कोलाइडेड इन द सेम रनवे, ऑल बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, या आप कह सकते हैं पुअर कम्युनिकेशन स्किल। तो केएलएम में दो डच पायलट्स थे, राइट? और दे आर फेसिंग इशू टू स्पीक इन इंग्लिश विद द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एंड दैट लेड to biggest accident in aviation. It was the worst accident in aviation in which both the 747 aircraft collided on the same runway. अगर मैं आपको दूसरे एक्सीडेंट के बारे में कहूँ तो आपके होश उड़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था एवियन का फ्लाइट 52 को लेकर बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो क्या हुआ था कि उस एयरक्राफ्ट में फ्यूल बहुत कम था, एंड एट एनी मोमेंट दैट एयरक्राफ्ट वॉज अबाउट टू क्रैश, एंड इट आप सोच ही लो, इट वॉज अबाउट टू क्रैश, राइट? सो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर पायलट लोग का थोड़ा इंग्लिश वीक था, सो पायलट वेयर अनेबल टू कम्युनिकेट विद ATC स्टेटिंग दैट अवर एयरक्राफ्ट इज अबाउट टू क्रैश। उन लोग ने ये कहा ATC को कि वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूअल। तो इसको लेकर ATC ने कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उस एयरक्राफ्ट को, एंड बस उन लोग को लगा था कि बस इनको इमरजेंसी लैंडिंग करवा देते हैं एंड दे विल बी सेफ। बट इधर सिचुएशन क्या थी कि वो एयरक्राफ्ट वॉज अबाउट टू क्रैश, इज बींग अबाउट टू क्रैश एट एनी सिंगल सेकेंड्स, राइट? तो इस समय में क्या करते हैं पायलट्स लोग, एक डिस्ट्रेस टर्म को यूज़ करते हैं, जैसे कि पैन पैन या मेडे। सो विद दैट बींग सेड ATC को पता लग जाता है ओके, सो एयरक्राफ्ट इज अंडर डेंजर। सो एट एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस ATC लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं इफ द एयरक्राफ्ट मीट्स एन एक्सीडेंट, सो दैट दे कैन कीप रेडी थिंग्स इन द ग्राउंड। दैट्स वाई वो टर्म यूज किया जाता है, डिस्ट्रेस टर्म। सो लेट्स कंक्लूड दिस हियर एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या इसको ऐसे उठाते हैं ना? अरे नहीं, oh, no. नहीं सर, अरे यार क्या कर दिया आपने? कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। अगर पर्सनैलिटी की बात हो ही रही है, देन यू मस्ट हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी इफ यू चूज एविएशन एज योर करियर। आपने बहुत कुछ इंसिडेंट्स देखे होंगे ऐसे एविएशन में, लाइक यू माइट हैव कम अक्रॉस कॉकपिट फाइट, यू माइट हैव कम अक्रॉस ग्राउंड स्टाफ फाइट। सो यू मस्ट हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एंड राइट nowadays एयरलाइंस आर डिमांडिंग एंड रिक्रूटिंग दोज हु हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इफ़ यू हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी दैट कुड मेंटेन अ लेवल ऑफ सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड लेवल ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस हैपनिंग डे टू डे इन एविएशन करियर। सो मेक श्योर यू डू दैट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ग्रूमिंग को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, बिकॉज ग्रूमिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन टू वेज। नंबर वन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ पीपल, एज वेल एज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेंटेन योर हाई प्रोफाइल। नाउ लेट्स इमेजिन, इफ यू आर हैंगिंग अराउंड विद फ्यू पीपल, इट माइट बी योर कोलिग्स और वेदर यू आर ट्रीटिंग पैसेंजर्स, सो द फर्स्ट थिंग दे विल नोटिस इज योर ग्रूमिंग, राइट? सो दैट्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यू आर मेकिंग विद दैम। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द एयरलाइन जॉब एंड एयरपोर्ट जॉब रिक्वायर्स टू बी प्रॉपरली ग्रूम्ड। सो आपको उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। So let's move to the next one. The last point is knowledge. Knowledge. So whatever career you choose in aviation field, make sure you have proper knowledge pertaining to that subject.
क्योंकि मैं आपको यह पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि इन एविएशन डेज आर नॉट इक्वल। हर दिन आपको नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, हर दिन आपको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो एट दैट टाइम योर नॉलेज विल सेव यू। आपकी नॉलेज और आपकी स्किल आपको हेल्प कर सकते हैं उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू इन्जॉयड। अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने मिला, देन मेक श्योर यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमॉन्ग द एविएटर्स होम यू नो। तब तक के लिए लगे रहो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।